माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा जो लेटर होता है वो आपका टाइपिंग के दौरान नहीं आता। जैसे अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको पता है फिंगर आपका होम रो, टॉप रो और बॉटम रो पर रखते हैं, और इन तीनों रो के अलावा आपका न्यूमरिक रो में भी कुछ सिंबल मिलता है, लेकिन इन चारों रो यानी होम रो, टॉप रो, बॉटम रो और न्यूमरिक रो के अलावा बहुत सारा लेटर ऐसा है जो शॉर्टकट की के जरिए लाना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे उन सभी सिंबल का शॉर्टकट की क्या होता है, और इसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग के दौरान अगर आपको लाना है तो कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, और अगर हमें क्या करना है, हिंदी लिखना है, अगर हमें हिंदी लिखना है तो क्या करते हैं, हम यहाँ से भाषा बदलते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज बदलते हैं। और ज़्यादातर टाइपिंग करने के लिए मार्केट में कुर्तिदेव फॉन्ट का यूज़ होता है, और हालांकि कुर्तिदेव फॉन्ट के अलावा और भी बहुत सारा फॉन्ट है जिस पर हिंदी लिखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फॉन्ट है वो आपका कुर्तिदेव है। तो जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं ना, कुर्तिदेव चूज करते हैं, कुर्तिदेव का 10, 11, 12 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो कुर्तिदेव का 10 नंबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना कि कुर्तिदेव 11 चूज किए, और साइज 18 थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अभी अगर हमें कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से लिखते हैं राजमहल, ठीक है, तो ये तो लिखा गया राजमहल, लेकिन राजमहल अब इसमें ना एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे हम स्पेस दिए तो र जो है ना ये सरा में बदल गया। तो हम पहले के वीडियोस में भी बताए हैं कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन के कारण होता है, आप चाहे तो इसे सुधार सकते हैं। इसे अगर सुधारना चाहेंगे आप तो फाइल मेनू में जाइए और यहाँ से ऑप्शंस पर जाइए, ठीक है, और यहाँ पर प्रूफिंग देख रहे होंगे, ठीक है, प्रूफिंग में जाना है, यहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाइए, और ये जो ऑटो करेक्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसे क्या करना होगा, जो टिक किया हुआ है इसे हटाना होगा, ताकि आपका जब आप टाइप कर रहे हो तो उस दौरान अपने आप वो र स्र में ना बदले। और सिर्फ यही नहीं, अगर मान लीजिए क लिख रहे हैं तो आपका आधा क बन जाएगा, यानी शुरुआत का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है आपका कैपिटल हो जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में वो आधा हो जाता है, या अगर उसका आधा नहीं होगा तो शिफ्ट के साथ जब आप उस लेटर को प्रेस करते हैं तो उसके साथ जो सिंबल आएगा वो सिंबल आ जाता है। हालांकि अगर आप ऑटो करेक्ट नहीं करना चाहे तो इसे सुधारने के लिए कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करके यानी अंडू प्रेस करके भी इसे आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो करने का मतलब क्या है कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियोज़ है, हिंदी टाइपिंग वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला प्रॉब्लम अक्सर होता है, ये आप सुधार सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से ये हुआ, अब मान लीजिए क्या बताया कि अगर आपको चांदनी लिखना होगा तो च आकर लिखे, और आपको पता है ना कि चांद बिंदु देना होता है, तो शॉर्टकट की क्या होता है वो अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या किए ना, ये शॉर्टकट की लिखे हुए, वो भी कौन सा फॉन्ट का, तो ये है आपका कुर्तिदेव, वो भी 10 नंबर फॉन्ट का, ठीक है। हालांकि 10 ही नहीं, आप 11, 12, 13, 14 इनमें से किसी पर भी आप काम कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको टाइपिंग के दौरान अगर आपको आधा फॉ लिखना होगा तो अल्ट के साथ 20 प्रेस करेंगे, आपको जो है जैसे प्रसन्न वगैरह होता है ना तो उसमें उसके लिए अल्ट के साथ 0153 प्रेस करेंगे, चांद बिंदु के लिए अल्ट के साथ 0161। देखिए अब यहाँ पर अभी क्या करते हैं कि एमएस वर्ड पर है हम, अभी क्या करना कि चांदनी लिखना है तो चांद बिंदु तो लाना ही है आपको, तो करना क्या है अल्ट के साथ 0161 जैसे प्रेस किए तो देखिए वो आपका सिंबल आ गया। इस तरह से बहुत सारे लेटर पर जरूरत पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड पर जरूरत पड़ेगा, सेंटेंस पर जरूरत पड़ेगा, जब कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो बहुत सारा जरूरत पड़ेगा, जैसे यो ये तो जरूरत उतना नहीं पड़ता। अब ये वाला देखिए, जैसे ट्रक लिखते हैं तो अल्ट के साथ क्या है 0170, जैसे फिर से हम यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि ट्रक, तो यहाँ से फिंगर बटाने पर ट लिखे और उसके नीचे ऐसे लगाते हैं ना, तो उसके लिए क्या था अल्ट के साथ 0170 आ गया, और यहाँ से कॉल लिख दिए, ठीक है।
इस तरह से इन सब का जरूरत पड़ता है। इसके अलावा आधा तरह है, अंग है, ये इसका भी जरूरत पड़ता है। बहुत सारा तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि शुद्ध हिंदी तो हम लोग भी बहुत सारे में नहीं टाइप कर पाते, इसलिए इन सब का ध्यान में नहीं है। आधा यो है, फिर ये वाला, फिर इसके बाद ये भाग का सिम्बॉल है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। देखिए भले इसमें से बहुत सारा सिम्बॉल है, लेकिन कुछ सिम्बॉल ऐसा है कि टाइपिंग के दौरान आपको मैक्सिमम यूज़ करना होता है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट तो आपको अक्सर आपको टाइपिंग में यूज़ होगा। आधा फो है, चांद बिंदु है, आधा यो है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू है, ये भी ब्रैकेट ही है, लेकिन ऐसे हम लोग मजरी ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दीर्घई, हालांकि ऐसा आप बना भी सकते हैं, आपको हिंदी में ऐसा लिखने के बाद आप शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर याद है अल्ट के साथ 0195 तो आप टाइप करके भी ला सकते हैं। ये आपका आधा आता है, पूरा लिखने के लिए अल्ट के साथ 0196 है। इसके बाद दुर्गव, अब दुर्गव आता ही नहीं, कभी अगर आपको ऊट लिखना पड़ेगा तो ऊट लिखने में क्या है आपका, एक तो दुर्गव लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको शॉर्टकट की चाहिए। इसके बाद आपको जो चांद बिंदु देना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की के जरिए ही ला सकते हैं, है ना। इसके बाद आपका ट तो नॉर्मली आप लिख सकते हैं। तो ये सब जितना भी आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ये शॉर्टकट की याद रहना ही चाहिए। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप टाइपिंग पर आगे ही नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप, हम वो भी तरीका बता दे रहे कि अगर शॉर्टकट की याद नहीं है तो फिर कैसे ला सकते, लेकिन उस तरीके में ना आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप याद कर लेते हैं तो फास्ट टाइपिंग के दौरान आप जल्दी से इन सभी लेटर के शॉर्टकट की को प्रेस करके आप वो सिंबल ला सकते हैं। जैसे देखिए नक्रह है, मानते हैं कि आप कॉ लिखने के बाद जब आप जेड प्रेस करेंगे तो ऐसा आ जाता, लेकिन ये और इसमें दोनों में अंतर है, इसलिए आपको शॉर्टकट की के जरिए ही आपको लाना पड़ेगा। बाकी देख लीजिएगा इन सब का, शुरुआत में थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिन लोगों को इसका शॉर्टकट की ध्यान में नहीं है आप लिख लीजिएगा और बेहतर होगा कि आप याद ही कर ले, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपको क्या बताएं कि मान लीजिए अगर वो शॉर्टकट की याद नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर एमएस वर्ड पर ला सकते हैं। करना क्या है आपको, यहाँ से जैसे चांदनी में ना, हम यहाँ से चांद बिंदु हटा देते हैं, अब हमें चांद बिंदु लाना है तो करेंगे क्या, आप यहाँ से इंसर्ट मेनू में जाइए और सबसे लास्ट में देख रहे होंगे सिंबल, सिंबल पर जाइए और कुछ ना रिसेंट जो शॉर्टकट सिंबल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अलावा मोर सिंबल पर जब जाएंगे ना तो यहाँ पर सारा सिंबल ही आपको मिल जाता है, जो टाइप करके ला सकते हैं वो भी, और जो टाइप करके नहीं ला सकते, जिसके लिए शॉर्टकट की का जरूरत पड़ता है वो भी आप यहाँ से ला सकते हैं। देखिए इनमें से ना ढेर सारा मिलेगा, ठीक है। तो जो चाहिए आपको वहाँ से ला सकते हैं। अभी हमें चांद बिंदु चाहिए तो देखिए यहाँ पर मिलेगा, बस यही है कि ना इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको खोजना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इस जगह पर मिल जाएगा, चांद बिंदु सेलेक्ट किए, इंसर्ट कर लिए और यहाँ से क्या कर लिए, क्लोज कर लिए। जैसे अभी यहाँ पर बताते ना ट्रक लिखना है तो ट के नीचे ऐसा लाना है, र लाना है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट सिंबल में जाइए, मोर सिंबल, और यहीं पर कहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट किए और यहाँ से इंसर्ट और क्लोज कर लिए, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए हमको क्रम संख्या लिखना होगा तो क्रम में देखिए हम क लिखते हैं और जैसे जेड प्रेस करेंगे ना ऐसा आ गया। और ऐसा वाला नहीं चाहिए, ऐसा वाला टाइपिंग का दौरान नहीं चाहिए। करना क्या होता है, एक तो ये बदल गया, आर्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे सुधर भी जाएगा, लेकिन जैसा बुक वगैरह में लिखता है, जैसे हम लोगों को लिखने का जरूरत पड़ता है वैसा यहाँ पर नहीं है। तो करेंगे क्या, इंसर्ट मेनू में जाइए, सिंबल पर जाइए, मोर सिंबल, और यहाँ पर देखिए क्रॉ मिला और इसका शॉर्टकट के यहाँ पर भी दिखाता है। अगर आप वो जो चार्ट दिखाया आपको शॉर्टकट की का, अगर वो ध्यान में नहीं है तो आप यहाँ से भी देखिए जो सिंबल को सेलेक्ट करते हैं उसका शॉर्टकट की यहाँ पर दिखाई देता है। अल्ट के साथ 0216 प्रेस करके भी ला सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट किए, देखिए आ गया। और शॉर्टकट की जरिए लाना है तो देखिए अल्ट 0216 आ गया। इसके बाद यहाँ से मॉ लिख दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि शॉर्टकट की याद है तो बढ़िया है, फास्ट टाइपिंग के दौरान वो जरूरत पड़ेगा, नहीं है सिंबल मेनू से ला लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आप जो सिंबल जब लाएंगे तो वहाँ पर भी उसका शॉर्टकट की दिखता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप टाइपिंग के दौरान ये सब आप सारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे और टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है, टाइपिंग करना है तो आपको जो है ये शॉर्टकट की याद करना होगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।